नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका दिग्विजय इकोनॉमिका में। आज हम नेशनल इनकम के अपने चौथे पार्ट में हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम आपसे बात करने वाले हैं। आज मैं वो बताने वाला हूं जो आप सुनने वाले हैं। बेसिकली आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी तक बात नहीं हुई है सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, मार्केट प्राइस की और फैक्टर कास्ट की, जो नॉर्मली बुक्स में आप पढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम में इस कड़ी में उसी चीजों पर बात करेंगे जो आप जानना चाह रहे थे। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है, उन समस्त बातों को आपके सामने रखेंगे। जितना क्रिस्टल क्लियर हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट कि लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका। तो यहां पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नेशनल इनकम। पहला है ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे जीडीपी एंड जीएनपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद की। फिर हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस पे इन अवधारणाओं को सीखने वाले हैं कि व्हाट इज जीडीपी मार्केट प्राइस एंड जीएनपी मार्केट प्राइस। फिर हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कास्ट, जीडीपी फैक्टर कास्ट एंड जीएनपी फैक्टर कास्ट। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट। और हम देखेंगे नेट कॉन्सेप्ट के बारे में कि एनडीपी मार्केट प्राइस क्या है, एनएनपी मार्केट प्राइस क्या है, एनडीपी फैक्टर कास्ट क्या है, एनएनपी फैक्टर कास्ट क्या है। और इसके बाद हम सीखेंगे बेसिक प्राइस के कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि गवर्नमेंट ने अपने बेस ईयर को चेंज किया है नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के लिए, तथा 2015 से इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है। अब जो सेक्टरल ग्रोथ रेट है या फिर जो है हेडलाइन ग्रोथ रेट है उसको गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं बेसिक प्राइसेस के कॉन्सेप्ट और जीबीए के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर आप जीडीपी और जीएनपी को सीख लेना तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको टफ लग रहे हैं ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सभी उसी से डिराइव फॉर्म में है, ये उसी से निकाले गए हैं, उसी से निर्मित किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखेंगे दो चीजों के बारे में, जीडीपी एंड जीएनपी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए ये जो टर्म्स है ये अपने आप में ही क्लियर करते हैं कि आखिर में इनका कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम दो चीजों को यहां लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं नंबर वन जी डी पी, एंड सेकेंड लेने वाले हैं हम जी एन पी। ओके, यहां पे जी है, डी है और पी है। यहां पे जी है, एन है एंड पी है। पहला क्या है इसमें, ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस। सेकेंड डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। यहां भी देखिए फर्स्ट इज जी, सेकेंड इज एन एंड थर्ड इज पी। यहां पे क्या है, जी फॉर ग्रॉस, सेकेंड एन फॉर नेशनल एंड थर्ड पी फॉर प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर इन दो चीजों में, दो कॉन्सेप्ट में अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो बेसिकली ये अंतर है किस चीज को लेके, डोमेस्टिक को और नेशनल को। ग्रॉस दोनों में कॉमन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहां भी है और प्रोडक्ट यहां भी है। इसका मतलब जो जीडीपी और जीएनपी के बीच का अंतर उत्पन्न होता है वो सिर्फ दो शब्दों को लेके है, एक में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दूसरे में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर है। व्हाट इज ग्रॉस, ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट आर टोटल, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी। डोमेस्टिक का मतलब क्या है और नेशनल का क्या मतलब है। डोमेस्टिक का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स
और यहां पे निशनल का मतलब है ओनली रेजी डेंस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यहां पे शब्द है प्रोडक्ट, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां पर भी वही मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट वैल्यू। अब जरा देखिए, खूब ध्यान से इसको सीखने का प्रयास करिए कि व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस का मतलब है टोटल आर एग्रीगेट, डोमेस्टिक का मतलब है रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन, एंड प्रोडक्ट का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे भी ग्रॉस का मतलब टोटल एग्रीगेट है, नेशनल का मतलब है वन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन, एंड प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विस मार्केट वैल्यू। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी देश के इकोनॉमिक बाउंड्री में, नॉट ज्योग्राफिकल बाउंड्री, किसी देश के इकोनॉमिक बाउंड्री में, डोमेस्टिक बाउंड्री में जो कोई हो, चाहे वो रेजिडेंट्स हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एनुअली प्रोडक्शन करेगा उसका मार्केट वैल्यू है जीडीपी। मतलब आप जरा सोचिए, आपके इकोनॉमिक बाउंड्री में, आपके डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स है, जो भी नेशनल्स हैं या फिर नॉन नेशनल्स है, जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सभी की मार्केट वैल्यू है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे इकोनॉमिक के डोमेस्टिक बाउंड्री में चाहे रेजिडेंट्स हो या फिर नॉन रेजिडेंट्स हो, चाहे हम लोग हो या फिर यूएस की कोई फर्म हो, यूएस का कोई व्यक्ति हो, यहां पे रह रहा है प्रोडक्शन कर रहा है, वो सब मेरा ही है, दैट जीडीपी। एंड व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी का मतलब है हमारे इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर या फिर बियॉन्ड जो भी हमारे रेजिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, उस सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है जीएनपी। इसका मतलब हमारे जो रेजिडेंट्स है या फिर नॉन रेजिडेंट्स की बात यहां पे हुई थी, देखिए जीडीपी में यहां पे सिर्फ हम रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। हमारे रेजिडेंट्स हो सके हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक बाउंड्री में हो या फिर इसके बियॉन्ड हो सकते हैं, जो कुल भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज जीएनपी। तो बेसिक व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू, दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा दोस्तों कि हमारे इकोनॉमी में, जैसे मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी है, और इंडिया की इकोनॉमी में दो लोग हैं, रेजिडेंट्स भी हैं और नॉन रेजिडेंट्स हैं, मतलब हम लोग तो हैं ही, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनियां भी यहां पर काम कर रही हैं, लाइक एडिडास, रिबॉक, ओके ना, प्यूमा, मैकडी, पेप्सिको, ये सारी कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की यहां काम कर रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रही हैं। जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो हम ये नहीं ध्यान में देखेंगे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाली एजेंसी भारतीय है या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है, हमारे देश के लोग कर रहे हैं, रेजिडेंट्स कर रहे हैं या फिर बाहर के कर रहे हैं, जो कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है वो सब मेरा ही है, दैट जीडीपी। इट मीन टू से इन जीडीपी ओन प्लस बोरोड कैपेसिटी बोथ आर इंक्लूडेड। जीडीपी में अपनी क्षमता प्लस जो दूसरे देशों की क्षमता यहां पे लगाई गई है, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। बट इन जीएनपी, जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो अपने रेजिडेंट्स हमारे देश के इकोनॉमिक बाउंड्री में है या फिर उसके बाहर है, तो जो हमारे रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम लेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखिए, जो लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हैं और यहां पे काम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, वो मैं अपने जीएनपी में इंक्लूड नहीं करूंगा, वो उनके देश के जीएनपी में इंक्लूड होगी। कहने का मतलब क्या है, बहुत क्लियर है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे वहां काम कर रहे हैं। जब मैं जीडीपी की बात करूंगा तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो मेरे देश का हो या फिर बाहर का हो, सबको मैं अपने जीडीपी में इंक्लूड कर लूंगा। लेकिन जब मैं जीएनपी की बात करूंगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो सिर्फ अपने रेजिडेंट फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को लूंगा, जो उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है उनको मैं उनको ट्रांसफर करूंगा, मतलब ये उनके देश की जीएनपी की पार्ट होगी। और अगर मेरे रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है तो फिर उनका कंट्रीब्यूशन मेरे जीएनपी की पार्ट होगी। जीडीपी में जो भी कोई कर रहा है वो सब मेरा ही है। इसको हम समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने रखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, दोनों को समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम और एक छोटा सा इक्वेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो क्या है देखिए, मान लीजिए सपोज कि ये इंडिया की इकोनॉमी है, ये क्या है, इंडिया की इकोनॉमी है,
और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या है? इंडिया। अब देखिए, इंडिया के फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में है। भारतीय लोग, भारत का विवेक, भारत का विजडम पूरा दुनिया में। अगर आप न्यू ग्रोथ थ्योरी को पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा। 92 में दिया गया, 90 के डिकेड में दिया गया, और कहा गया कि किसी इकोनॉमी के ग्रोथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेबर नहीं है, वो कैपिटल नहीं है, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो पूरे दुनिया के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा है। इंडिया का ग्रोथ ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे रेस्ट ऑफ द ग्रोथ। आप यूएस में चले जाइए, आप जापान में चले जाइए, आप फ्रांस में चले जाइए, कहीं भी जाइए, जो इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया के फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन चाहे लोग हो चाहे कंपनियां हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन दूसरा इसका पार्ट भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे वहां काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरा रिलायंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, टाटा जगुआर के रूप में ब्रिटेन में काम कर रहा है, तो उनकी भी कंपनियां, उनके भी लोग तो हमारे वहां काम कर रहे हैं। आप चले जाइए किसी भी मॉल में, आपको ऊपर से नीचे तक विदेशी कंपनियां दिखाई दे देंगी, कहां पे रिबॉक दिखाई दे रहा है, एडिडास। अब देखिए, अगर मैं इस इकोनॉमिक बाउंड्री में जो इंडिया की है वो मैं अपना या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर मैं सबको एक साथ ले लूं ना, तो ये हो जाएगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपना, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो भी कंट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट्स आर माई, वो सब मेरा ही है, दैट GDP। व्हाट इज GNP? जब मैं GNP की बात करूंगा ना, तो मैं देखूंगा कि मेरे रेजिडेंट्स कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें यह करूंगा मैं कि अपने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अगर कोई व्यक्ति हमारा यूके में है तो उसका रिसोर्सेज अपने वहां ट्रांसफर होगा। जो मेरी कंपनियां यूके में काम कर रही है, रिलायंस काम कर रहा है, वो मेरे वहां ट्रांसफर करेगा। मतलब अपने फैक्टर का इनकम मैं अपने वहां लूंगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्टर्स है या इंस्टीट्यूशंस है उनको मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा। तो जो मेरा ओरिजिनल है ना, वो मेरा मिल जाएगा। इसका मतलब जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा GNP, अपना कंट्रीब्यूशन। GDP में क्या है? अपना प्लस दूसरे, दोनों का कंट्रीब्यूशन। तो GDP और GNP का अंतर किस चीज के ऊपर आता है? देखिए, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन GDP एंड GNP। GDP और GNP का अंतर एक टर्म से आता है दोस्त, उसका नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द दिया जाता है वो है NFIA, खूब ध्यान से समझिएगा। यह है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। तो GDP और GNP का जो अंतर है ना, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से है। इसका हिंदी होता है विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय। इसका मतलब देखिए क्या है, यहां पे टर्म्स देखिए, नेट विदेशों से प्राप्त निवल साधन है। नेट, नेट का मतलब यह हुआ कि अगर मेरे इकोनॉमी में भारत के रेजिडेंट्स हैं या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं, तो GDP में तो सब मेरे ही है। लेकिन जब मैं GNP की बात करूंगा ना, तो अपने फैक्टर जो दुनिया में, उनकी रिसोर्सेज के, उनकी इनकम को मैं यहां ट्रांसफर करूंगा, और उनके लोग जो यहां पे काम कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज को उनको दे दूंगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। GDP और GNP का अंतर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से है कि मैंने अपना ले लिया और उनको उनको ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है, दोनों के बीच अंतर स्थापित करता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन GDP और GNP। अगर इसको आप समझ रहे होंगे तो आपको यह लग रहा होगा कि GDP एंड GNP में द रेशनल कॉन्सेप्ट इज GNP। अगर किसी इकोनॉमी की GNP बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल इफिशियंसी बढ़ रही होती है। लेकिन जब GDP बढ़ता है ना, तो एक्चुअल प्लस बारोड कैपेसिटी बढ़ रही होगी। मतलब हो सकता है कि GDP बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए रोल प्ले कर रहा होगा पेप्सिको, उसके लिए रोल प्ले कर रहा है प्यूमा, उसके लिए रोल प्ले कर रहा है एडिडास, उसके लिए रोल प्ले कर रहा है मैग्नी। तो GDP बढ़ सकता है अपने की वजह से या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन से, लेकिन GNP तब बढ़ेगा जब आपकी एक्चुअल इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका रेजिडेंस आपको कंट्रीब्यूट करेगा, तब GNP बढ़ेगी। तो क्या यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि GDP से बेहतर है GNP का बढ़ना?
यस, ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये कहा जाए कि किसी देश की जीएनपी ज्यादा बढ़े जीडीपी के कंपेरिजन में, तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 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 जीडीपी का बढ़ना भी बेहतर है। जीडीपी का बढ़ना क्यों बेहतर है? अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके वहां फॉरेन कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। तो जब प्रोडक्शन कर रही हैं तो इंप्लॉयमेंट किसको दे रही है जी? आपको दे रही है। आप बताइए आपको टैक्स किसको पे कर रही है? आप बताइए, वो भारत सरकार को टैक्स पे कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका डेवलप हो रहा है? इंडिया का डेवलप हो रहा है। नेशनल इनकम किसकी बढ़ रही है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसका बढ़ रहा है? इंडिया। तो बेसिकली जीडीपी का बढ़ना भी बेहतर है, बट अगर जीएनपी बढ़ जाए ना तो ज्यादा बेहतर है जीडीपी के कंपेरिजन में। इसलिए कभी यह मत सोचिएगा कि जीडीपी का बढ़ना गलत है। जीडीपी बढ़ जाए, जीएनपी बढ़ जाए, बोथ आर ओके ना, एक्सीलेंट, बट मोर एक्सीलेंट इज जीएनपी। आप आईएएस भी बनना चाहते हैं और आप पीसीएस भी बनना चाहते हैं, आईएएस बनिए ना, क्या मजा है। पीसीएस तो ठीक ही है, बनी जाएंगे। तो बेसिकली जीडीपी और जीएनपी में जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मोर बेटर कॉन्सेप्ट देन जीडीपी, जो रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। एक इक्वेशन से अगर हम बात कर लेना कि दोनों में क्या अंतर है, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू। जब हम लिखते हैं जीएनपी, जीएनपी तो होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब मैं जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दूंगा तो ये जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। बट यहां ध्यान रखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मे बी पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव। खूब ध्यान से कंसेंट्रेशन बढ़ाइए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कब धनात्मक होगा बताइए जरा हमसे आप? तब धनात्मक होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जब आपकी कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको ज्यादा पैसा कमा के दें, ज्यादा पेमेंट आपको करें। और निगेटिव तब होगा कि जब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यहां से ओके ना, विदेशी कंपनियां विदेशी लोग यहां से ज्यादा पैसा कमा के ले जाए बट आप लोग कम कमा के ले पाए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है ओके ना, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैं बहुत ज्यादा उसको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की बात करते हैं तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, बोरोइंग एंड लेंडिंग का डिफरेंस और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस जोड़ा जाता है। मतलब यह देखा जाता है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, इंपोर्ट आपके जो विदेशी कंपनियां जो है फॉरेन में या विदेश की कंपनियां आपके वहां वो ज्यादा कमाई करती हैं या आप बोरोइंग ज्यादा करते हो या लेंडिंग, ये तमाम चीजों को देख के इसका डिफरेंस बनाया जाता है। देखिए वो इकोनॉमी जो पावरफुल है, जिसकी कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिसके लोग देश ऑफ द वर्ल्ड में, जो दुनिया से पैसा लेके आ रही है, उसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होगा पॉजिटिव। और जिसके वहां ये चीज ही निगेटिव है, इसका मतलब समझिए कि जो फैक्टर इनकम है मिल कम रहा है, आप पे ज्यादा कर रहे हो। जैसे इंडिया की बात करिए तो इंडिया में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निगेटिव होता है। उसका रीजन क्या है कि भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो वैल्यू है आप देखेंगे वो भारत के बहुत ज्यादा प्रतिकूल है। भारत बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाता है कंपैरिजन टू इंपोर्ट, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसका रीजन है हम लोग संख्या में ज्यादा है, हम लोगों की जो है कंजम्पशन पैटर्न्स जबरदस्त है, हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्यूल का, क्रूड ऑयल का, गोल्ड का, तो इससे हमारा जो पेमेंट बिल है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों हमारी कंपनियां भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उतनी नहीं है जितनी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनियां। तो हमारे वहां जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है इंडिया में वो क्या होगा? निगेटिव होगा। बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी पॉजिटिव होती है, जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इन रिफरेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करूं, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया ये होगा कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि ये क्या है भारत में निगेटिव है। अगर इस इक्वेशन को आप देखिएगा तो इसका मतलब क्लियर है कि जीडीपी में से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जीएनपी प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है इंडिया में जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। अधिकांशतः आप देखेंगे कि ये चीजें एक एलडीसीज के साथ मिल जाती हैं कि उनकी जीडीपी ज्यादा होती है जीएनपी की तुलना में। जो इंडिया में भी यही सिचुएशन, भारत का जीडीपी ज्यादा है जीएनपी से, भारत का जीडीपी ज्यादा है जीएनपी से। ये आप देखिए, अगर इससे भी बेहतर होता कि भारत का जीएनपी बड़ा होता जीडीपी से, ये और भी बेहतर सिचुएशन होता।
लेकिन भारत में क्या है, जीडीपी बढ़ा, इसका मतलब जो हमारी ओन प्लस बारोड कैपेसिटी है वो ज्यादा है अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से। तो भारत के सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा कि जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, इसका मतलब है कि भारत में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है निगेटिव। अगर ये बना दीजिए पॉजिटिव तो क्या कहने, मजेदार, आप ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, आपकी कंपनियां ज्यादा कमाएंगी, लेके जाएंगे कम। बट भारत में ये सिचुएशन अभी नहीं है मेरे दोस्त। तो ये रहा दोनों के बीच संबंध, तो आप समझ गए हैं कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। आइए कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं दिग्विजय पढ़ाने के लिए चला जाता हूं यूएस, और यूएस से जाता हूं 3 दिन की क्लास लेता हूं और मुझे पेमेंट मिलता है $1,00,000। कम क्या बताना, ज्यादा बताते हैं, $1,00,000। $1,00,000 भारत के जीडीपी का पार्ट होगा कि जीएनपी का मेरे दोस्त? ये होगा भारत के जीएनपी का पार्ट, लेकिन ये मेरा कमाया हुआ पैसा होगा यूएस के जीडीपी का पार्ट, क्योंकि मैं यूएस का नॉन रेजिडेंट हूं और यूएस के जीडीपी में जुड़ेगा। आप समझ रहे हैं, अगर मैं कहीं जाता हूं किसी देश में और अर्न करता हूं तो उस देश के जीडीपी का पार्ट होगा, यद्यपि वो मेरे जीएनपी का पार्ट होगा, क्योंकि जीएनपी क्या है, एक्चुअल एफिशिएंसी। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए एक जापान की कंपनी भारत में है और यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है वो भारत के जीडीपी का पार्ट होगा, बट वो होगा जापान के जीएनपी का पार्ट। ओके ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक साइंटिस्ट है जो यूएस से आता है और इंडिया के साइंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता है और भारत सरकार उसको ₹50,000 देती है, तो भारत सरकार का जो दिया गया ₹50,000 है वो भारत का जीडीपी का पार्ट होगा, बट वो होगा यूएसए के जीएनपी का पार्ट, क्योंकि वो व्यक्ति उस पैसे को ट्रांसफर करेगा यूएस। तो आप समझ रहे हैं जीडीपी का मतलब किसी इकोनॉमी में जो भी कुछ है वो मेरा ही है, चाहे मैं प्रोड्यूस करूं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई, वो सब मेरा ही है, दैट इज जीडीपी। और जीएनपी का मतलब है एक्चुअल एफिशिएंसी ओनली रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो होता है फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस का। ये जरा ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो जीडीपी और जीएनपी तो हमने प्रयास किया समझाने का, अगर कोई क्वेरी है तो हमको निश्चित रूप से कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए। बट यहां पे आइए हम बात कर लेते हैं फैक्टर कास्ट एंड मार्केट प्राइस की। फैक्टर कास्ट जब लिखते हैं दोस्त, तो नीचे लिखते हैं FC, और जब मार्केट प्राइस लिखते हैं ना मार्केट प्राइस, तो उसके लिए एक नीचे सब लिखिए MP। तो जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है, इसके ऊपर मैं इसको लेक्चर को कंसंट्रेट करने वाला हूं। देखिए जो फैक्टर कास्ट होता है ना, ये होता है प्रोड्यूसर साइड कास्ट। क्या होता है, प्रोड्यूसर साइड कास्ट। और जो मार्केट प्राइस होता है ना, ये होता है कंज्यूमर साइड कास्ट। खूब ध्यान से कंसंट्रेशन बनाइए प्लीज। देखिए, मैंने कहा कि व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी। मैंने कहा कि फाइनल गुड्स एंड जो सर्विसेज है ना, उनकी मार्केट वैल्यू है, चाहे वो रेजिडेंट्स या फिर नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज जीडीपी, और रेजिडेंट्स कर रहे हो तो जीएनपी। तो यहां पे देखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कास्ट दो तरीके से हो सकती है। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट हो सकती है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है उसकी कास्ट क्या है, और दूसरा कास्ट हो सकता है कंज्यूमर के साइड से आपसे कि उन गुड्स एंड सर्विसेज की कास्ट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर कास्ट। अब फैक्टर कास्ट का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो इकोनॉमी में QX बना। QX का मतलब एक शूज बना, जूता बना, और ये जूता बना कितने सौ का, ₹2400 का। तो फिजिकली देखिए एक जूता यहां बन गया, फिजिकली एक जूता बन गया ₹2400 का बन गया, लेकिन ये कैसे बना, लेबर लगे, लैंड लगा, कैपिटल, और फिर एंटरप्रेन्योर। मैं इसको बता चुका हूं, इसलिए पहले वाले वीडियो को प्लीज देखते रहिए, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना वो अच्छे से हो सके। जब तक हमारा पहले वाला वीडियो आप देखेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी बात मैं कर चुका था कि इस सूज को बनाने के लिए लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। अब ये सूज बना, तो लेबर को मान लीजिए हमने पे किया 600, लैंड को हमने रेंट दिया 600, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया 600, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया 600, तो कितना हो गया, ₹2400। इसमें देखिए, हमने एंटरप्रेन्योर के, साहसी के, उद्यमी के प्रॉफिट को जोड़ लिया है। देखिए, ये जो ₹2400 की कास्ट आई है ना, चूंकि प्रॉफिट इज आल्सो पार्ट ऑफ कास्ट, तो ये ₹2400 की आई है, और यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया गया है। तो यहां पे कहा जाएगा, अगर सिर्फ सूज बने और कुछ बने नहीं इकोनॉमी में, तो जीडीपी फैक्टर कास्ट इक्वल टू 2400। ये कौन सा कास्ट है, जो बेसिकली प्रोड्यूसर बियर कर रहा है।
ये कौन सा कास्ट है जो कि बेसिकली प्रोड्यूसर बियर कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस सूज को 2400 में खरीद पाएंगे? 2400 में आप नहीं परचेज कर पाएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर तो चाहता है कि इसी पे ये बिक जाए, बट ये बिकेगा नहीं। जब भी वो मार्केट में बिकने के लिए आएगा ना, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगी। तो जब मार्केट प्राइस जब आप जाओगे तो ये कंज्यूमर जो हम पे करेंगे वो कास्ट होगा, जिसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होगा। और अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट दी होगी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो मार्केट प्राइस होगा, जो हमारे एक आरडी कास्ट होगा, उसमें क्या होगा, इस सूज में ये अगर मान लीजिए कि जीडीपी फैक्टर कास्ट इक्वल टू 2400 है, तो इस कास्ट में फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट जोड़ लेगी। देखिए, जब भी आप सूज परचेज करने जाएंगे तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आजकल जीएसटी है उस पर आप लिखा होता है, जीएसटी लगाई गई है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, जिसके मैं बारे में बात करूंगा, काफी ज्यादा बात करूंगा। तो यहां पर आप देखिए कि पहले इस जब फैक्टर कास्ट का, तो ये प्रोड्यूसर साइड कास्ट है, आप परचेज करने जाओगे तो इसमें टैक्स जुड़ जाएगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो सब्सिडी घट जाएगी। तो यहां जो मार्केट, यहां पे अगर आप मार्केट प्राइस आप देखना चाहेंगे ना, मार्केट प्राइस आप देखना चाहेंगे तो क्या होगा, फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका मतलब जब कंज्यूमर परचेज करने जाएगा मार्केट प्राइस पे, तो जो फैक्टर कास्ट है, जूता कितने का बना, 2400 रुपए का बना, इसमें मान लीजिए गवर्नमेंट ने 400 रुपया टैक्स लगा दिया तो 400 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसी जूता के ऊपर 100 रुपया सब्सिडी दे दी तो आपको सब्सिडी ये घटा दी जाएगी। तो एक्चुअल आपको कितना पे करना पड़ा, 2700। अब देखिए, दैट इज मार्केट प्राइस, मतलब ये वो प्राइस है जो एक्चुअली कंज्यूमर ने पे किया है, जो 2700। प्रोड्यूसर ने कितना पे किया है, 2400। इसमें किसी तरह के देखिए टैक्स नहीं जुड़ा हुआ, इसमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी गई है। देखिए, जो आपने परचेज किया है ना, उस फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाएगा, और प्लस सब्सिडी अगर किसी तरह की होगी तो घटा दी जाएगी। जब मार्केट प्राइस में आप जाते हैं तो फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, मार्केट प्राइस को घटा देते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दोनों के बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए, बड़ा आसान है संबंध, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करा रहा हूं, और वो ये है कि जीडीपी मार्केट प्राइस, ये किसके अकॉर्डिंग कास्ट है, ये कंज्यूमर साइड, जो हम पे करते हैं कंज्यूमर साइड। तो ये क्या होगा, जीडीपी फैक्टर कास्ट, ये किसने पे किया, इस किसने, प्रोड्यूसर साइड, प्रोड्यूसर ने इस कास्ट को पे किया। लेकिन जब हम परचेज करने जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इन डायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, और अगर इसमें किसी तरह की सब्सिडी होगी तो घट जाएगी। तो देखिए, यही संबंध कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है दोनों के बीच संबंध, कि जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो बड़ा आसान है, आप गलत करके चले जाते हैं। मार्केट प्राइस जब होगा तो फैक्टर कास्ट में क्या होगा, टैक्स जुड़ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो आजकल जीएसटी के रूप में है, और इसमें से कोई गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दी है तो घट जाएगा। तो बस यही है, यही पूछा जाता है। अगर इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीडीपी फैक्टर कास्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बेसिकली मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट के बीच जो संबंध रहा ना, वो बड़ा आसान संबंध रहा। एक जो कास्ट है वो प्रोड्यूसर साइड कास्ट है, जो प्रोड्यूसर ने बियर किया है। दूसरा कास्ट वो है मार्केट प्राइस, हम लोग जो परचेज करते हैं मार्केट प्राइस पे। तो दोनों के बीच जो अंतर आया ना, वो किसकी वजह से आया, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में, पूछा गया कि जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कास्ट बराबर होंगे कब, आप बताइए कब होंगे। सीधा सा आंसर है, तब बराबर होंगे जब इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू सब्सिडी हो जाए। गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए कि जो है 10K, ओके ना, 10K टैक्स लगा दे और 10K सब्सिडी दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस 10K माइनस 10K, तो क्या हो गया, जीडीपी फैक्टर कास्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस। मतलब जब इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्स उतना हो जितना कि गवर्नमेंट सब्सिडी पे करे, यद्यपि ऐसा होगा नहीं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हमेशा कम देती है, कुछ वस्तुओं के ऊपर देती है, टैक्स सबके ऊपर लगाती है। तो जब जीडीपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट
तब बराबर होंगे जब इनडायरेक्टिक्स बराबर सब्सिडी हो जाए, या फिर दूसरा भी हो सकता है व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर गवर्नमेंट हो ही नहीं तो दो विकल्प सही हो सकते हैं कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट तब बराबर होगी जब इनडायरेक्ट टैक्स बराबर सब्सिडी हो जाए, या फिर गवर्नमेंट हो ही नहीं, जब नहीं होगी तो ना टैक्स लगाएगी ना तो सब्सिडी, तो ज्यादा जो है ओके ना इस चीज को हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू। तो हम लोगों ने अब तक ये समझ लिया कि क्या है जीडीपी मार्केट प्राइस और क्या है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं नेट कॉन्सेप्ट को। नेट कॉन्सेप्ट क्या है, नेट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट जैसे क्या क्या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, तो हम ये बता रहे थे कि क्या करना है, जितने भी ग्रॉस के कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, इसमें से सब में से हमने डिप्रिसिएशन घटा दिया तो ये सारे ग्रॉस हो गए नेट में कन्वर्ट, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो गए। क्यों हो गए, इसलिए हो गए दोस्त क्योंकि डेप्रिसिएशन घटा दिया गया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो जो भी कैपिटल्स लगे होंगे वो सब डिप्रिसिएट करेंगे, उसमें क्षरण होगा, उसमें टूट फूट होगा, उसमें ह्रास होगा। आप घर में रखते हैं, पापा परेशान रहते हैं, कभी ये टैप टूट गई, कभी ये हो गया, कभी फैन खराब हो गया, तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लगता है ना। इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करना है तो क्या उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होगा क्या, तो डिप्रिसिएशन पे कौन करेगा, बिल उसका प्रोड्यूसर पे करेगा। इसलिए अगर नेशनल इनकम आपको निकालना है, प्योर नेशनल इनकम ना, तो सारे ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन को घटाइए, जो कैपिटल में टूट फूट हुआ, हरास हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, मेंटेनेंस हुआ। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, टूट फूट, हरास, मेंटेनेंस। देखिए पूछा जाता है डिप्रिसिएशन प्रीलिम्स में, आईएएस में, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, जो एनुअली टूट फूट हुआ है मशीनों में, कैपिटल में हरास हुआ, ओके ना, मेंटेनेंस चार्ज है वो डिप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, मान लीजिए हमारा 1,25,000, ओके ना, 1,25,000, और अगर इसमें से डिप्रिसिएशन अगर 25,000 है ना, जब 25,000 घटा देंगे तो 1,00,000 आपको मिल जाएगा, 1,00,000 आपको मिल जाएगा, ये वाला नेट वाला कॉन्सेप्ट, जो इससे बेहतर कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें से डिप्रिसिएशन को घटा दिया गया। तो देखिए नेशनल इनकम के हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट है, 1, 2, 3 ये रहा, 4 और ये रहे 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर इसमें से आपको टेक्निकली पूछा जाए कि इन थियरी कि नेशनल इनकम एक्चुअली है क्या, सबसे बेहतर नेशनल इनकम क्या है, तो इसका आंसर होता है बेटा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम। कई बार देखिए पूछा जाए, समझ लीजिए इसको, कि चारों नेशनल इनकम है, जितने भी हैं सब के सब नेशनल इनकम है, लेकिन जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है ना वो ज्यादा बेहतर नेशनल इनकम है। इसका रीजन क्या है, देखिए इसके तीन कारण है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट कि द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन नेशनल, सेकेंड द कॉन्सेप्ट बेस ऑन नेट, एंड थर्ड द कॉन्सेप्ट बेस ऑन फैक्टर कॉस्ट। पहला ये कि कॉन्सेप्ट बेस ऑन नेट, देखिए ये ऐसा है कॉन्सेप्ट जो कि नेट पे है ना कि ग्रॉस पे, तो ग्रॉस में क्या है, सारा डिप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, तो हमेशा नेट का कॉन्सेप्ट ग्रॉस से बेहतर होता है। तो एन फॉर नेट, एन का मतलब है नेशनल, अब अभी आप समझ चुके हैं, अगर नेशनल होगा तो रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ होगा जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो नेशनल क्या है, बेहतर कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर आ गया नेशनल, यहां पे क्या हो गया, नेशनल हो गया। और थर्ड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट अगर है, फैक्टर कॉस्ट है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि फैक्टर कॉस्ट में कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है, किसी तरह का इसमें टैक्सेशन नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स ना सब्सिडी दी गई है, तो बेसिकली जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ ना नेट लेवल पे, उसमें भी डिप्रिसिएशन घटा दिया, वो नेशनल इनकम है। तो बेसिकली इन कॉन्सेप्टुअल, इन थियोरेटिकल अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, तो ये है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और इसके हमने बताए तीन रीजन। पहला रीजन बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेस है नेट पे, दूसरा मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट बेस है नेशनल के ऊपर, और तीसरा ये बताया कि ये कॉन्सेप्ट बेस है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। यद्यपि भारत सरकार ने 2015 में जो सेक्टरल ग्रोथ रेट की बात की है, या फिर जो हेडलाइन ग्रोथ रेट की बात की है, पहले हेडलाइन ग्रोथ रेट भारत में दिखाया जाता था जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से, किससे दिखाया जाता था, हेडलाइन ग्रोथ रेट जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को कहते थे हेडलाइन ग्रोथ रेट। अब हेडलाइन ग्रोथ रेट हम कह रहे हैं जीडीपी मार्केट प्राइस को, बट मार्केट प्राइस डिराइव फ्रॉम बेसिक कॉस्ट,
क्या निकाला गया है, बेसिक प्राइस पे निकाला गया है। जो अब जीडीपी मार्केट प्राइस गवर्नमेंट जिसके आधार पे बता रही है कि हमारा हेडलाइन ग्रोथ रेट क्या होगा, जीडीपी फैक्टर कास्ट पे नहीं बता रही, 2015 से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 कर दिया। तो अब जो गवर्नमेंट बता रही है हेडलाइन ग्रोथ, पहले हेडलाइन ग्रोथ बताती थी जीडीपी फैक्टर कास्ट पे, जो मैं आपको बता रहा हूं दैट द मोर रेशनल कॉन्सेप्ट, लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया और जीडीपी ओके ना मार्केट प्राइस पे हेडलाइन ग्रोथ रेट दिखा रही है, और ये जो है डिराइव कर रही है मार्केट प्राइस को बेसिक प्राइसेस से। तो एक तो ये हमको नेक्स्ट वीडियो में सीखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टिपिकल है, और चूंकि एकदम से इंपॉर्टेंट है, एकदम कंटेम्पोररी है, तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज कि जब सेक्टरल ग्रोथ रेट निकाल रही है तो जीबीए से निकाल रही है, तो यहां पे हमको सीखना है कि जो जीबीए बेसिक प्राइस है उसका जीडीपी से क्या लेना देना है। जीबीए बेसिक प्राइस का जीडीपी से, मैं जीबीए का कॉन्सेप्ट करा चुका हूं थर्ड वाले में, तो जीबीए में हम ये देखेंगे कि जीबीए का जो कॉन्सेप्ट है, जीबीए बेसिक प्राइस से कैसे जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, इसके ऊपर दोनों में क्या इंटरलिंक है, वो क्लास छोटी क्लास होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अब तक ये मेरा चौथा वीडियो है नेशनल इनकम का, मुझे ये लगता था कि ये मैं चार वीडियो में या तीन वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से, चूंकि आपको समझ में आ सके, ये चौथा वीडियो है, दो वीडियो मैं और अभी अपलोड करूंगा नेशनल इनकम के ऊपर। एक बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो जीबीए के ऊपर होगा कि जीबीए क्या है, हेडलाइन ग्रोथ कैसे निकाल रहे हैं, और उससे जो है जीडीपी का क्या लेना देना होगा, और एक वीडियो ऐसे कि जिसपे हम लोग बात करेंगे मेजरिंग नेशनल इनकम की, जो तीन मेथड है सीएसओ अडॉप्ट करता है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिटर मेथड, तो मेजर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, देवी और सज्जनों, हमने आपको पूरा प्रयास किया जीडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर का, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है बताने का, मैंने पूरा आपके साथ हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, जो भी क्षमता है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको जितना अच्छा क्वालिटी दे सकूं, आप पे करके भी उस क्वालिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उतना मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं दे सकूं, ये मेरा प्रयास है। अगर आपको समझ में आता है, आपको मुझसे बेनिफिट होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।